चिकन है ये घर में बना है ना, तो हमें थोड़ा ज्यादा चिकन दीजिए। ये पूरा अभी ऐसे स्टफिंग हो गया और ये जो ओवन है तो उसमें डाल के कितना टाइम लगेगा होने के लिए? ये आग भी जल रहा है भाई। ये टैटू कहाँ बना है आपके गले में जो है, ये क्या है? ये एवोकाडो कितना लेते हो भाई? 250 वो बहुत सस्ता में मिलता है बाहर में, 200 रुपए का जूस है भाई। ये है ड्रैगन फ्रूट। गाइस वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम भुवनेश्वर। और अभी जोन से एरिया में हम लोग है ना, वो केसुरा चौक है और ये भुवनेश्वर केसुरा चौक और जो कि भुवनेश्वर में आता है, भुवनेश्वर ओडिशा का कैपिटल है और उस एरिया में हम लोग है। अभी ये हम जो रोड में है ना, ये पूरी कटक बाईपास रोड है और ये रोड में हम लोग, ये सीधा डायरेक्शन में अगर दिखाऊंगा, ये डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे। तो अभी फिलहाल कितना टाइम लगेगा हमको जाने के लिए? लगेगा सही 15 मिनट, 15-20 मिनट लगेगा। और कितना किलोमीटर है? अप्रोक्सीमेटली 12-13 किलोमीटर होगा। गाइस ये देखो, ये भुवनेश्वर का रोड है और ये जो पूरी कटक रोड है ना, बहुत ज्यादा आपको होटल मिलेगा, बहुत बढ़िया होटल है ना सब, मस्त रोड है। लेकिन गाइस अभी हम लोग ट्रैफिक में है। ये कौन सा चौक है? डॉक्टोपाणी साई मंदिर। ओके, ये साइड में साई मंदिर है ना, तो हम अभी इस तरफ जा रहे हैं। कौन सा टेंपल बड़ा है? साई मंदिर। हाँ, वो तो पीछे रह गया। टाइम नहीं रहेगा, लास्ट में आते होगा तो देखिए कर क्या। नहीं, और एक दूसरे दिन आएंगे। और वहाँ पर आओगे तो उस टेंपल में, साई मंदिर में डॉग्स आर अलाउड। ओके गाइस, ये देखो कोणार्क 55 किलोमीटर, साखी गोपाल 35, पूरी 52, सातपड़ा 97 किलोमीटर। और ये रोड में हम लोग जा रहे हैं तो धौली आएगा। ये देखो गवर्नमेंट बस ओडिशा का। मेरा दोस्त पूछ रहा है धौली किस साइड है, तो उस साइड जाएंगे हम लोग। हम लोग धौली जा रहे थे लेकिन ये रास्ते में देखो, मतलब एक भी लाइट्स नहीं है, पूरा अंधेरे में हम लोग चल रहे हैं। लिखा तो गया था गाइस, ये टूरिस्ट प्लेस है, एटलीस्ट लाइट तो देना चाहिए। पता नहीं क्यों लाइट नहीं है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्लेस है। अरे भाई थोड़ी बार आ गए भाई, आगे ही है लेकिन लाइट नहीं है। देखो पूरा अंधेरे में हम लोग चल रहे हैं। ये जगह में हम पहुंच गए लेकिन लाइट नहीं है। बोल रहे कि क्या हुआ? बोल क्या लाइन को? सुबह से लाइन नहीं है तो क्या देखेंगे अभी रात में? चलो। और वो जो लेजर शो है वो भी नहीं होगा, वो बंद हो गया है भैया। लेजर शो बंद है पूरा, लेजर शो प्रोजेक्ट खराब है। ओके, अभी खाली मंदिर घूम आ सकते हैं, लेकिन मंदिर तो लाइट भी अभी नहीं है, कट चुका है तो कुछ भी नहीं दिखेगा। इतना अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लाइट तो होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग आए हैं, ये क्या लाइन देख करके आपको दिखाई भी नहीं देगा अंधेरे में, पूरा लाइन नहीं है। चलते हैं क्या? चलते हैं। तो प्लान आज कैंसिल, गाइस प्लान आज कैंसिल है। इधर हम देखने के लिए आए थे, अभी जा रहे हैं, कुछ नहीं देख पाए भाई, अंधेरा है, क्या देखोगे? गाइस ये देखो, ये भुवनेश्वर का शॉपिंग मॉल ऐसा कुछ दिखता है, PVR, बहुत ही मस्त है। ये कौन से एरिया में है? कल्पना, ये कल्पना चौक है और देखो कितना बड़ा मॉल है, और PVR जो है इसमें मूवी चलता है। ये भुवनेश्वर का कल्पना चौक है, ये देखो ट्रैफिक भी थोड़ा ज्यादा है। ये ऊपर देखो डिस्प्ले लगाया गया है, वाव ब्यूटीफुल भुवनेश्वर। गाइज ये देख रहे हो ना, ये भुवनेश्वर का BMC मॉल है, BMC अगर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखो, ये साइड में स्ट्रीट फूड है और ये बहुत सारे स्ट्रीट फूड इधर है का शॉप है, तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? BMC भवानी मॉल है और बहुत एक बड़ा मॉल है और ये भुवनेश्वर में है, वो जो ओडिशा का कैपिटल है। और यहाँ पे सब स्ट्रीट फूड देखो खा रहे हैं, ये फ्रूट का जूस का शॉप है। धौली शांति स्तूप हम लोग गए थे ना, वो इंडो जापानीज के कोलाब्रेशन में वो बना था, लेकिन वो तो वहाँ पे बंद था तो कुछ देख नहीं पाए, तो इसलिए हम लोग फिर आगे। ये शहीद नगर में है, ये जो एरिया है ये शहीद नगर एरिया है, आप देख सकते हो। तो इधर हम खाने के लिए आ रहे हैं। ये क्या है? हाँ पिज्ज़ा। ये है शंकर भाई है। हेलो भाई। हेलो। तो ये 2 साल का दुकान है। कितना? 2 साल का और 2 महीना का। दो महीने का। तो ये पिज्जा हैंडमेड पिज्जा है,
ओके देखो ये ओवन, हाँ वो ओवन में बनता है। ये सब क्या है? कॉर्न पिज्जा, मशरूम पिज्जा, पनीर पिज्जा, मशरूम कॉर्न। हाँ देखो, और ये पिज्जा का भी, इसको क्या बोलते हैं बेस ना, क्या बोलते हैं? डो, डो पिज्जा बेस बोलते हैं, डो बोलते हैं। हाँ हाँ भैया, कितने साल का एक्सपीरियंस है ये बनाने का? हाँ ओके, क्या तुम नॉन वेज खाओगे कि वेज? मेरा वेज है। वेज है, मैंने दोनों मंगाया। दोनों खा पाएंगे क्या? तुम एक खाओगे, मैं एक खाऊंगा और क्या हो जाएगा आराम से। हाँ ये थोड़ा दिखा देते हैं कैसा मेकिंग प्रोसेस है। हैंडमेड सॉस है। कौन सा एक ये चीज में बनता है ये सॉस? टोमेटो गार्लिक। ओके, ओके। ये क्या आप रेंट में लिए हो ये सॉस? ओके, बीएमसी का। तो ये ऑनियन इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये क्या है? कैप्सिकम, टमाटो। देखो ये सब इंग्रेडिएंट ये बॉक्स में रखा गया है। और ये कॉर्न आ गया, पनीर पनीर कमर कुकर चिकन हो। हाँ चिकन पनीर, हाँ एक चिकन और एक पनीर। हम अमरता, और ये आ गया पनीर। तो ये रेलवे स्टेशन से कितना डिस्टेंस रहेगा ये प्लेस? शहीद नगर अप्रोक्सीमेटली 4-5 किलोमीटर रहेगा। 3 किलोमीटर? ओके ओके, भैया चिकन मेरा था लेकिन पनीर डाल दिए। ओके कोई बात नहीं। चिकन, चिकन है ये घर में बना है ना, तो हमें थोड़ा ज़्यादा चिकन दीजिए। ये पूरा अभी ऐसे स्टफिंग हो गया, और ये जो ओवन है तो उसमें डाल के कितना टाइम लगेगा होने के लिए? 10 मिनट्स। ओ ये चीज है। ओके, ये ग्रैन्यूल जैसा दिख रहा है ना चीज़। ओके भैया, आपका टैटू भी मस्त है। ये बॉडी बिल्डर है। आप जिम भी जाते हो? और ये उनका सेम जिम है क्या? बॉडी इंजीनियर। ओके ओके, ये कॉलिंग स्टेडियम के कुछ एथलीट्स को भी ये ट्रेंड करते हैं। वाओ, पिज्जा खिलाते हैं। तो आप एक और भी ऐड कर सकते हो, वो जो क्या है जिम फूड, आप सिर्फ ओके, क्योंकि आज मार्केट में जिम का फूड ऐसे टाइप का कोई शॉप नहीं है, सिर्फ जिम फूड दे। यहाँ पे आटा वाला पिज्जा ही बनता है। नीचे ये आग भी जल रहा है। तो 10 मिनट में अभी होने वाला है हमारा पिज्जा, देन विल ईट। हो गया ये देखो, बन के रेडी हो चुका है। ये पनीर का ना हो गया रेडी। हो गया रेडी भैया, क्या नाम है आपका? हाँ सुना ही नहीं दिया मेरे को, बापू। ओके, तो ये हमारे भाई हमारा है। हेलो भाई, ये भी आते हैं, इनके दोस्त है। ओके भैया, बॉडी तो आपका सही बना है, एक नंबर। इधर आटा का पिज्जा मिलता है ना? हाँ हाँ, तो रूम जाने के बाद एक पिज्जा, पिज्जा जिम के बाद एक पिज्जा, गेमिंग के लिए सही है। हाँ आटा वाला पिज्जा भी होता है। हाँ हाँ, तो वो सही रहता है। ओके, 150 ग्राम का चिकन। ओके, हो गया आपका चैलेंज पूरा, प्रोटीन भी मिल गया। हाँ दोनों सही है। आपका नाम क्या है बताया? भूल गया। गुरुदेव मिश्रा। गुरुदेव मिश्रा भाई, ये टाटू कहाँ बना है आपके गले में जो है? ये क्या है? ये डंबल्स का है सिंबल। हाँ जी। ओके, ये ऑर्गेनो, ये चिली। ये आ गया, थैंक यू सो मच भैया। ये आ गया हमारा पिज्ज़ा, तो इसको अभी हम ट्राई करेंगे। ये लोकली मेड है, तो इसको टेस्ट करेंगे। खा के बताओ कैसा है, तुम तो रोज़ खाते हो, आज खा के बताना टेस्ट कैसा है।
बहुत गर्म है। वाओ सुपर। एक पीस ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म है यार। ओह शिट, इसको लेते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं। सॉफ्ट तो है, पूरा सॉफ्ट है। और ये चिकन देखो, और लिटरली 10 मिनट लगा यार। टेस्ट सही है, पूरा गहरा में। वाओ मस्त लग रहा है यार। भैया आपका ये क्या, दिखाओ थोड़ा, कैसे क्या खाना है ये? डाइट का खाना। डाइट का खाना, ये क्या क्या है? बासमती राइस और बॉइल चिकन है, उसमें दही और स्वीट चिली सॉस सब डाला गया है ना, ओनियन सॉस। ये गेनिंग के लिए, ये पर डाइट है। हाँ डाइट, ओके ओके सही है। ये बॉइल चिकन खाया नहीं जाता है, हाँ दही वही डालते हैं, अच्छा लगता है। और टेस्ट कैसा लग रहा है? अच्छा, हाँ एक बार खाते हैं। चिकन लीजिए, चिकन के साथ ये राइस थोड़ा लेते हैं, और भाई का जिम का फूड ट्राई करते हैं। वाओ क्या टेस्टी है, तो आराम से खा सकते हैं पूरा ना, इजीली खा सकते हैं। गाइस अभी हम लोग क्या ना, हम सोचे कि अभी थोड़ा जूस पियेंगे, और ये है जूस। ओके तो हम लोग क्या जूस है देखते हैं। जूस फ्रूट सलाद भी है। हाँ, क्या खाओगे भैया? जूस कुछ पिला दो। वाटरमेलन, एवोकाडो कितना लेते हो भाई? 250। वो बहुत सस्ता में मिलता है बाहर में। बाहर में मिलता है ना, बाहर नहीं। आप इतना क्यों दे रहे हो? आपको इतना क्यों दे रहे हो फिर? ये दो वाटरमेलन दो। नहीं नहीं वाटरमेलन नहीं, मुझे चाहिए मिक्स है ना, मिक्स फ्रूट मिक्स होगा, मिक्स दे दो भाई। एवोकाडो को रेड भाई 200 समथिंग बोले ना, ये वाला देखो 200 रुपये का जूस है भाई। ये है ड्रैगन फ्रूट, सब चीज़ें। हाँ गाइस ये देखो, ये मिक्स जूस है और नीचे गिर गया। ये हम लोग मंगाए, और मेरा नाना जो है दोस्त है वो एक दूसरा लेके आ रहा है, उसका भी मिक्स है। और इसका टेस्ट करते हैं यार कैसा है, थोड़ा कैसा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसमें ज़्यादा ग्रेव्स डाल दिया क्या? मिक्स बोले, लेकिन ये मुझे ज़्यादा ग्रेव्स जैसा लग रहा है। ग्रेव्स थोड़ा ज़्यादा है क्या? एक्स्ट्रा दे दो भैया। वाह गिर ना जाए, वाह गिर जाएगा मतलब। पीने के बाद और भी डालते हैं, ये तो पूरा ग्लास मेरा फुल कर दिए, पी लेते हैं। हाँ मज़ा आ रहा है पूरा पीने में, प्यास लग रहा था कि ये पीने से पूरा प्यास मिट गया। गाइज ये देखो, ये हम लोग का बच गया जो पिज्जा, इसको हम पार्सल करके घर के लिए ले रहे हैं। अभी निकल रहे हैं हम लोग नाना, अभी छोड़ के जा रहे हो मुझे? हाँ। देखो ये मुझे छोड़ के जा रहा है, ये मेरा घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे छोड़ने के लिए आए, थैंक यू सो मच। तो अभी मिलते हैं फिर नए ब्लॉक में, और कल चलते हैं किधर एक, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बाय। ठीक है गाइस अभी सो जाते हैं। जैसे मैंने ये अभी थोड़ा क्या ना, ये एडिटिंग कर रहा हूँ, और एडिटिंग करने के लिए बैठा हूँ, और मैं सोचा कि थोड़ा ब्लॉग ख़त्म करके एंड करते हैं, फिर एडिटिंग कर लूँगा। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम लोग ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।